saw when the lamb opened one of the seals, and I saw पहली मोहर के खुलते ही वह घोड़ा निकला जिसका सवार परमेश्वर का वचन। इसने समस्त पृथ्वी को पुनः प्रभु के वचन से हरा कर दिया। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय। आज की वीडियो में आप यीशु मसीह के वापस आने का समय जानने वाले हैं। आज पवित्र आत्मा बताने वाला है यीशु राजा जल्द आएगा। सो वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दूसरी मोहर के खुलते ही लाल घोड़ा लाल सवार के साथ नजर आया। सो भयंकर युद्ध की हलचल हुई, नफरत फैलने लगी, लोग एक दूसरे से दूर होने लगे, हमारे आपस का प्रेम ठंडा होने लगा। तीसरी मोहर के खुलते ही अंधकार फैलने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। दोस्तों, महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब लोग भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे। वचन कहता है चौथी मोहर के खुलते ही पीले घोड़े पर सवार होकर मृत्यु नजर आएगी। मनुष्य भूख महामारी और युद्ध से मरेंगे। कोरोना नाम की भयंकर महामारी आई। रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर हाहाकारी युद्ध हुआ। कई लोग तलवार से तो कई लोग महामारी से मरने लगे। पांचवी मोहर के खुलते ही भयंकर सताव बढ़ेगा। धर्मी लोग करा करा कर प्रार्थनाएं करने लगे। छठवीं मोहर के खुलते ही भयंकर प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक गड़बड़ियां आरंभ हो जाएंगी। तत्पश्चात सातवीं मोहर खुलते ही प्रभु की आवाज सुनाई दे, स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा छा जाएगा। और उसके बाद वचन में लिखा हुआ है कि उन सातों स्वर्गदूत को सात तुरहियां दी जाएंगी जो एक एक करके तुरहियां फूकेंगे और समस्त पृथ्वी पर हाहाकार। इन सभी बातों के चिन्ह आसमान में नजर आने लगे। लगातार बदलता हुआ मौसम प्राकृतिक गड़बड़ियां आरंभ हो चुकी। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय अप्रैल और मई में ऐसा लग रहा है जैसा मौसम जून और जुलाई से बन चुका हो, अगस्त से सावन लग चुका हो। कहने का मतलब ये है कि मौसम की साइकिलिंग बदल चुकी है, जिस तरह वैज्ञानिकों ने बताया था। अर्थात जब यीशु मसीह राजाओं का राजा अत्यंत शीघ्र आने वाला है, वो समय आ पहुंचा है जब भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बादल में परमेश्वर के इकलौते पुत्र का चिन्ह नजर आएगा। परमेश्वर का इकलौता पुत्र अपनी सेनाओं के साथ हम सबों को नजर आने लगेगा। मौसम का बदलना, प्रकृति का बदलना, इस बात का खुला संकेत है यीशु राजा जल्द आने वाला है।